चाइना की शंघाई सिटी की वो रात जब वहां के लोग उस घटना से अनजान अपने काम में बिजी थे, तभी उस काली रात के आसमान में कुछ अजीब सा लाइट चमकने लगता है, मानो कोई संदेश दे रहा हो। अलग अलग तरह के पैटर्न बनने शुरू हो जाते हैं जिसमें इंसानों जैसे अजीबोगरीब कैरेक्टर दिख रहे थे। फिर उसी में कुछ क्यूआर कोड जैसा पैटर्न भी दिख रहा था और वो काफी देर तक क्यूआर कोड रहा। और देखते ही देखते शंघाई सिटी के सारे लोगों के डर भरे निगाहें आसमान की तरफ मुड़ गए। तभी वहां के कुछ लोगों ने उस क्यूआर कोड जैसे दिखने वाले लाइट को स्कैन किया और फिर जो हुआ वो चौंका देने वाला था। असल बात है कि चाइना के साई गेम कंपनी अपने फर्स्ट एनिवर्सरी पे अपने प्रिंसेस कनेक्ट रीड्राइव गेम को कुछ यूनिक तरीके से एडवर्टाइज करने का सोचा। इसलिए उन्होंने 1500 ड्रोन के मदद से आसमान में एक ऐसा और प्री प्लान्ड क्यूआर कोड का पैटर्न बनाया ताकि जब लोग उस क्यूआर कोड को स्कैन करें तो वो सीधा उस गेम के डाउनलोडिंग पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए। हाँ, वो क्यूआर कोड एक प्रिंसेस कनेक्ट रीड्राइव गेम का लिंक था। देख रहे हो कंपनी ने कितना दिमाग लगाया है अपने गेम का एडवर्टाइजमेंट के लिए। और एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी हुआ क्योंकि उस रात बहुत सारे लोगों ने उस गेम को डाउनलोड किया और प्रिंसेस रीड्राइव गेम बहुत चर्चे में आ गया था चाइना के अंदर। और दोस्तों यही एडवर्टाइजमेंट का फ्यूचर है, चाहे वो LED लाइट्स हो या ड्रोन लाइट्स हो। इससे एडवर्टाइजमेंट ही नहीं, हम इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी कैन चेंज ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड। बदलाव अच्छा हो या बुरा। हाँ, अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे, ये तो एक क्लिकबेट था। चलो तो ठीक है, अब वीडियो खत्म।